दोस्तों, एरोपोनिक के द्वारा जो हमें सिखाया जा रहा है फार्मिंग करने के लिए, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने किया है। जो संस्था से हमें मिला है यह टावर आप देख सकते हो, इसमें मैंने खीरा, टमाटर और बैंगन का खेती कर रहा हूं। और इस खेती करने के द्वारा मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि किस रीति से हम हवा में सब्जी को उगा सकते हैं। आप देख सकते हो ये टमाटर है और ये टमाटर का पौधा बड़ा खूबसूरत रीति से बढ़ रहा है और जड़ भी आप देखो एकदम वाइट है, इसका मतलब ये हेल्दी है। और ये खीरा का पौधा है जिसको मैंने कोकोपीट में लगाया है, आप देख सकते हो इसका भी जड़ एकदम वाइट और पत्ता एकदम हरा है, शानदार दिख रहा है। आप जो देख रहे हो ये सारे पौधे, कुछ खीरे, बहुत ज़्यादा खीरा है, मुझे खीरा पसंद है इसलिए मैंने खीरा से ट्राई कर रहा हूँ। आप देख सकते हो पानी गिर रहा है, पानी में मैंने न्यूट्रिएंट डाला है, वही न्यूट्रिएंट जो संस्था ने हमें दिया है टावर के साथ, मैंने उसको मिलाया है। और ये न्यूट्रिएंट मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए रखा है कि ये न्यूट्रिएंट ए और एक न्यूट्रिएंट बी, ये दोनों न्यूट्रिएंट को मैंने 5-5 ml करके 1 लीटर के पानी में मिला करके मैंने इस बकेट में, टैंक में मैंने डाला है सॉल्यूशन बना करके। और इसी तरीके से मैंने हर एक प्लांट में सेम रेशियो का 5 ml का रेशियो बना करके प्रति लीटर मैंने डाल करके इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और रिज़ल्ट आप देख रहे हो बड़ी शानदार है। यह बैगन है, यह बैगन भी बड़ा शानदार तरीके से उग रहा है और इसका जड़ भी बड़ा अच्छा से हो रहा है। तो इस रीति से सीखने को मिल रहा है कि किस रीति से हम हवा में सब्जी उगा सकते हैं। और कुछ बीजों को मैंने यहाँ लगाया है और जब ये पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे तो मैं जो खाली पॉकेट्स है उनमें मैं डाल दूँगा। सो इस रीति से भाई बहनों, दोस्तों, आप भी ट्राई करो अपने घर में, जो टावर आप लिए हो या टावर नहीं भी लिए हो तो ले करके आप जल्दी से स्टार्ट करो, ताकि हमें सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। धन्यवाद।